नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डाउनटाउन डैलस में आ गए हैं। डाउनटाउन यानी कि जहाँ पे सब सरकारी ऑफिसेस होते हैं या फिर म्यूजियम होते हैं, फिर बड़े बड़े बैंकों के कार्यालय होते हैं, वैसी जगह। ये यहाँ से रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं डार्ट की रेलवे यहाँ पे चलती है और एक ट्रेन वहाँ से आ रही है, आप वो भी देखिए। ये देखिए कैसे ट्रेन होती है, छोटी ट्रेन होती है ट्राम जैसे। ये आप सामने अभी रेनेसांस टावर देख सकते हैं। देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है, करीबन 30 माले की होगी ये बिल्डिंग। ये नेशनल होटल है, आप देख रहे हैं करीबन उतना ही 30 माले का। सामने आप वेस्टर्न होटल देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी होटल्स है, कन्वेंशन सेंटर्स है, रियूनियन टावर्स है। ऊपर आप देख सकते हैं एक होटल ग्लास का क्लीनिंग चालू है, एक आदमी वहाँ पे सब क्लीनिंग कर रहा है ग्लासेस ग्लास के होटल की। और यहाँ पे आप डिजिटल बैनर्स देख सकते हैं। ये कोई होटल का एडवर्टाइजमेंट है सस्ते का। और ये आप देख सकते हैं नया आईफोन आने वाला है, आईफोन 14 येलो कलर में, तो उसका एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे। ये बहुत ही फेमस कॉमर्स स्ट्रीट है यहाँ पे, जो बहुत ही यहाँ पे सब बिजनेस की बिल्डिंग्स हैं। और ये आप देख सकते हैं AT&T की बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग डैलस की। ये एविस बजट होटल है सामने। और ये फेमस मैनर हाउस होटल है डैलस का।
आप ये पार्क दे सकते हैं यहाँ पे, ये बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये वाली बिल्डिंग जो है ये फेडरल बिल्डिंग है, यहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह सब के ऑफिसेस है। ये देखिए सफाई कैसे होती है यहाँ पे स्ट्रीट की, कुछ भी कूड़ा वगैरह होता है तो वो सक्शन से निकाल दिया जाता है। क्लीन टीम है ये डैलस की। आप बैंक ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं डैलस का। देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, करीबन 40 माले की बिल्डिंग है, पूरी कांच की बनी है। वहाँ पे आप आगे राइट साइड में हिल्टन का होम वुड सूट्स भी देख सकते हैं, और पीछे वो और दो कांच वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे वेस्टर्न है, तो आप देख सकते हैं हम कॉमा स्ट्रीट में आ चुके हैं, और आगे आपको अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे होटल्स की बिल्डिंग हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं पेगासस होटल है, ऊपर आप वो घोड़ा देख सकते हैं उड़ता हुआ लाल घोड़ा, वो सिंबल है पेगासस होटल का। प्लेन देख सकते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस। ये है AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट, ये आप देख सकते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग AT&T का, और ये फाउंटेन्स और AT&T बिल्डिंग। आज समर डे है ऑलमोस्ट, तो बहुत सारे लोग घर से निकले हैं और यहाँ पे लंच कर रहे हैं और घूम रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग आकर्षणीय पैटर्न्स आते हैं, और ऊपर एक आप दो बिल्डिंग्स को जोड़ने वाला ब्रिज भी देख सकते हैं, जहाँ पे लोग एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आसानी से जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं फेमस एडोल्फस होटल, यहाँ का उसका बाहर का आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर है। तो पूरे इलाके को बोलते हैं AT&T डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बहुत सारे स्टेज शोज होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, डीजे वगैरह सब ऐसे होता है। ये देखिए फाउंटेन के बाजू में लिखा है AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट। लोग ऐसे ही घूमने निकले हैं, खाना खा रहे हैं, घास में बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स एटमॉस्फियर। ये आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा बिल्डिंग में जाने के लिए बहुत ही एकदम डिफरेंट टाइप का। जैसे AT&T का लोगो है सेम उसी टाइप का ये दरवाज़ा का शेप है। ये आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कलर चेंज हो गया है,
बहुत टाइम तक ऐसे आराम से बैठ के ये स्क्रीन को ऐसे ही देखते रहेंगे तो नज़दीक से देखिए स्क्रीन को कैसी दिख रही है। ये चेंज हो गया कलर और वो पीकॉक कलर जैसे हो गया है और एक लाइट म्यूजिक पीछे से बज रहा है। ये आप देख सकते हैं स्टेज शोज के लिए तैयारी चालू है, हो सकता है शाम को कोई ऑर्केस्ट्रा या फिर बैंड यहाँ पे हो। और ये नज़दीक से आप ब्रिज देख सकते हैं जो दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ये स्क्रीन, वो पेगासस का घोड़ा और ये एडोल्फस होटल पूरा एकदम सीनिक व्यू है ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स। ये देखिए अभी चेंज होकर नीला रंग हो गया है। और AT&T का यहाँ पे एक्सपीरियंस स्टोर भी है जहाँ पे आप जाके उनके नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस यहाँ का एक स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही सुंदर ऐसे स्कल्पचर आप देख सकते हैं AT&T डिस्ट्रिक्ट का, स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन का है। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन का है और ये AT&T डिस्ट्रिक्ट का एकदम स्पेशल ऐसे है। और ऊपर आप देख सकते हैं वो देखिए ब्रिज, मैं आपको ये व्यू भी दिखाना चाह रही थी ब्रिज का, और पीछे के बैकग्राउंड में वो 100 साल पुराना एडोल्फस होटल और पेगासस और बाकी सब एकदम ओल्ड बिल्डिंग्स, एकदम सुपर्ब आर्किटेक्चर। ये बहुत ही प्राइम लोकेलिटी है डैलस की और ये फेडरल रिजर्व ऑफ डैलस की बैंक है, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही। ऊपर आप देख सकते हैं ईगल और उनका लोगो, बहुत ही यूनिक बिल्डिंग। आप देख सकते हैं आगे ओमनी होटल और वो रियूनियन टावर का ऑब्जर्वेटरी डेक। ये करीबन ऑब्जर्वेटरी करीबन 40 माले पर होगा और वो घूमता रहता है और ऊपर जाके स्पेशल टिकट लेना पड़ेगा आपको और आप पूरा डैलस शहर देख सकते हैं। और उसके बाजू में जो होटल्स आप देख रहे हैं पूरी कांच की बिल्डिंग राइट साइड में, वो वेस्टर्न होटल है हयात।